हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मोबाइल रिटेलर्स के लिए है जो BSNL, जियो, वोडाफोन या वी से अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर एयरटेल में पोर्ट करना चाहते हैं या MNP करना चाहते हैं और उनको उसको करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी को गाइड करने वाला हूँ। इसके लिए एयरटेल का मित्रा ऐप है, उसके थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर के नंबर को एयरटेल के अंदर MNP कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करता हूँ अपना वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आपको मित्रा ऐप ओपन कर लेना है। इसके बाद जो भी आपका लापू नंबर है, यानी कि जिस मोबाइल नंबर से आपका डेमो अकाउंट बना है एयरटेल मित्रा में, वो नंबर डाल करके यहाँ पर आपको अपना लापू का पासवर्ड डालना है। उसके बाद इसको लॉगिन करना है, लॉगिन यानी सबमिट करना है। इसके बाद इस तरह से स्क्रीन आएगी, इसमें आपको जाना है। सेकेंड ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा, प्रीपेड डिजिटल एक्विजिशन, आपको इसके अंदर जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कौन सी ID लगानी है वो आप यहां से चूज़ कर सकते हैं। अगर आधार है तो ऊपर वाले पे, और अगर कोई और है तो आप अदर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम आपको आधार ही रिकमेंड करेंगे कि इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसमें ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, तो अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप इससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिजिटल KYC से कर सकते हैं। हम डिजिटल KYC से कर रहे हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ये फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसमें आपको जाना है। कंट्री में इंडिया है, ऑब्वियसली आपकी नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी। इसके बाद आपको कस्टमर की लाइव फ़ोटो खींचना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद लाइव फ़ोटो खींचनी है आपको कस्टमर की। उसके बाद आपको डन कर देना है, फ़ोटोज़ की कस्टमर की वहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आपको नीचे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है POA and POI, यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपको एड्रेस टाइप लेना है, क्या लेना है इसमें आपको। हम आधार मैंने ऐसे आपको रिकमेंड किया था, तो आप आधार ले लें। और ये फ्रंट साइड और बैक साइड, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आप फ्रंट साइड पे यहाँ पे कस्टमर का आधार का आपको फ्रंट का फ़ोटो खींच लेना है। फिर उसके बाद आपको बैक साइड का फ़ोटो खींचना है। उसके बाद डन पे कर देना है। ध्यान रखना है आपको कि फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाता है। ये यहाँ से आधार नंबर ऑटोमेटिक उठा लेता है आपका, डेट ऑफ इशू भी आप यहाँ डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता है। अगर इसमें साइड में आपके आधार के ऊपर जहाँ प्रिंट करते हैं वहाँ पे साइड में लिखा रहता है, अगर वहाँ पे आपको लिखा दिख जाए तो आप वहाँ पे फिल कर दीजिए, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ दीजिए। इशूइंग अथॉरिटी में ऑटोमेटिक आ चुका है आधार, ये अगर सेम है तो सेम एज POA लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सब इसमें ऑटोमेटिक ये फिल हो गया है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है जिसके ऊपर OTP वगैरह जाएगा, जिस पे आपको वेरीफाई होगा। और उसके बाद ये अगर आपका अपना है तो आपका कोई अल्टरनेट है या फैमिली का है, रिलेटिव या किसी का है, तो वो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ओन है तो यहाँ पे हमने ओन कर दिया है। अगर कोई पर्सन या डिसेबिलिटी है उसको, तो आप यहाँ पर यस नो लगा सकते हैं, इसमें नो है। ये देखिए ऑटोमेटिक इसने जो है आधार से यहाँ पर इसने उठा लिया है एड्रेस पूरा। अब चूँकि यहाँ पे हम MNP कर रहे हैं तो हम यहाँ पे MNP का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कैप्चर UPC कोड फ़ोटो, तो ये आप कस्टमर के मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो आपको खींचनी है कस्टमर के मोबाइल से ही आपको खींचनी है। फ़ोटो खींचने के बाद आप इसको डन कर दीजिए। देखिए इसने बाद इसने ऑटोमेटिक UPC कोड और जनरेशन डेट ऑटोमेटिक इसने उठा लिया है। इसके बाद आपको न्यू सिम डालना है, न्यू सिम का नंबर। तो इसमें सिम नंबर डालने के लिए आप यहाँ से बार कोड है यहाँ से स्कैन कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक उठा लिया सिम नंबर। ये IMSI इसने ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा आपका ये। फिर आपको FRC सेलेक्ट करनी है, जो सी भी आपको FRC करनी है कस्टमर के नंबर पर। जैसे हमें कस्टमर पर यहाँ पर 299 की FRC करना है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप इसकी एडिशनल डिटेल अगर वो आपसे कहता है तो आप उसको भर सकते हैं, जैसे सैलरी डाल दिया, उसके कस्टमर की ईमेल आईडी डालना है तो डाल सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है एग्जिस्टिंग कनेक्शन डिटेल, कस्टमर के नाम पे जितने कस्टमर के पास नंबर हो उसको आपको यहाँ फिल कर देना है। तो जैसे हमारा कस्टमर बता रहा है कि इसके पास दो हैं तो हमने यहाँ पर दो डाल दिया। ये जियो के दोनों नंबर हैं तो यहाँ पर जियो पर हमने दोनों सेलेक्ट कर दिया। अगर ये अदर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL जिसमें होता तो उसमें हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये दोनों नंबर इसके पास जियो के हैं। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक कर देना है।
यहाँ पे ये हमारा मिस हो गया था प्रीवियस कनेक्शन टाइप, तो हमको यहाँ पर जा कर के ये मेरा प्रीपेड है ये हमने सेलेक्ट कर दिया, और ये रिलायंस का है, उसने आप ऑटोमेटिक इसने रिलायंस का उठा लिया, रिलायंस जियो का है ये, ठीक है। अब इसको हमें जा कर के इसको टिक कर देना है डिक्लेरेशन को, पहले आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर इंटर ओटीपी का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, वहाँ पर आपको कस्टमर के नंबर पे जो ओटीपी आया है वो यहाँ पर डाल देना है। ये मैंने कस्टमर का ओटीपी यहाँ पर डाल दिया है, इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे हम, वैलिडेट हो गया है। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो यानी कि जो रिटेलर है उसको अपनी फ़ोटो लाइव यहाँ पर खींचनी है, इसके बाद आप इस पर टिक कर दीजिए, और इसके बाद हमारे नंबर के ऊपर यानी जो लापू का नंबर है उसके ऊपर सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओटीपी उसने सेंड कर दिया है। देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक सबमिट कर, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक ले लिया है, लेकिन ये ध्यान रखना है वो नंबर आपका उसी में ही यानी कि आपका जो लापू का नंबर है वो आपका इसी फ़ोन में ही होना चाहिए जिससे आप MNP कर रहे हैं, और उसी के नेटवर्क से होना चाहिए। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ये OTP वेरीफाइड कर दिया। अब देखिए नीचे सबमिट का ऑप्शन इनेबल हो गया है, अब इसको आपको सबमिट कर देना है यहाँ पे। इस प्रोसेस के 3 या 4 दिन के बाद आपके कस्टमर का मोबाइल नंबर एयरटेल में पोर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको आप लाइक कर दीजिए, और ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।